रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को उन्हें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी के बाद नरक और स्टिंग मिसाइलों के साथ सशस्त्र 6 अपाचे हमले हेलीकॉप्टर भारतीय सेना का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। सेना ने इस तरह के हमले के हेलीकॉप्टरों की लंबी अवधि के लिए मांग की है। सेना ने मूल रूप से अमेरिका से 11 अपाचे हेलीकॉप्टरों के अधिग्रहण के लिए सरकार की मंजूरी मांगी थी। 2015 में भारतीय वायुसेना ने 22 ऐसे हेलीकॉप्टरों के लिए एक करार किया था। रिपोर्टों के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने सेना द्वारा एक अलग मिनी एयर विंग का निर्माण करने का जोरदार विरोध किया था। बोइंग AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया में सबसे उन्नत बहु भूमिका वाला हेलीकॉप्टर है। जब भारत ने हेलीकॉप्टरों को खरीदने के लिए तैयार किया तो उसे अपाचे AH-64D लोंगबो और रूसी बनाया MIRIN-28N नाइट हंटर के बीच चयन करना पड़ा। बोइंग AH-64 अपाचे एक 4 ब्लेड जुड़वा टर्बोसाफ्ट हमले हेलीकॉप्टर है जिसमें एक टेलीवील प्रकार लैंडिंग गियर व्यवस्था और एक 2 आदमी चालक दल के लिए एक अग्रानुक्रम कॉकपिट है। इसमें लक्ष्य अधिग्रहण और नाइट विजन सिस्टम के लिए एक नाक माउंटेड सेंसर सूट है। इसे विमान के आगे धड़ के नीचे मुख्य लैंडिंग गियर के बीच 30 mm M230 श्रृंखला बंदूक से लैस किया जाता है। MI-28 का हेलीकॉप्टर मिल्क मॉस्को हेलीकॉप्टर संयंत्र द्वारा विकसित किया गया है और इसे नाटो कोडनाम हावक द्वारा जाना जाता है। अगस्त 1996 में ML ने दिन और रात्रि सक्षम संस्करण के एक प्रोटोटाइप को लुढ़का। MIRIN-28N नाइट हावर्ड पहली फिल्म M28N ने पहली बार अप्रैल 2004 में उड़ान भरी और जून 2005 में रूसी वायुसेना के साथ उड़ान परीक्षण शुरू किया। AH-64 अपाचे VS MIRIN-28N। कई विशेषज्ञों का मानना है कि MIRIN-28N AH-64D अपाचे लोंगबो के समान था। विशेषज्ञों का यह भी राय है कि उड़ान प्रदर्शन, हथियार विनिर्देशों, मुकाबला उत्तरजीविता और ऑपरेटिंग सुविधा के संदर्भ में MIRIN-28N अपाचे से बेहतर है, लेकिन जब सटीकता की शूटिंग करने की बात आती है तो रूसी हवाई जहाज से अमेरिकी हेलीकॉप्टर बेहतर होता है। इसके अलावा रूसी हेलीकॉप्टर का गोला बारूद छोटा है। विशेषज्ञों द्वारा दिए गए एक अन्य कारण यह है कि भारत अपने हथियार खरीद को विविधता देना चाहता है और केवल एक सप्लायर पर निर्भर नहीं है। भारतीय पहले से ही रूस द्वारा बनाए गए कई रक्षा उपकरण, हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान हैं। भारत ने हाल ही में अपनी रक्षा खरीद के लिए इजराइल और फ्रांस में भी जाने की कोशिश की है, बल्कि यह रूस पर निर्भर करता है, जैसे कि यह 2 दशक पहले हुआ था। भारत अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए रूस से भी संतुष्ट नहीं है। रक्षा पत्रकारों ने भारतीय अधिकारियों के हवाले से कहा है कि रूस वितरण की तारीखों, आधुनिकीकरण और मरम्मत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। अपाचे ने अफगानिस्तान समेत विश्व के कई संघर्ष वाले क्षेत्रों में भी अपनी ताकत को साबित कर दिया है।